हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा और मेरे चैनल बायो प्रो प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है। टॉपिक का नाम है द प्लास्टिड्स। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने कई टॉपिक कवर किए। हमारा इसके पहले वाला टॉपिक था द माइटोकॉन्ड्रियन, आज हम पढ़ेंगे द प्लास्टिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो शुरू करूं या जो भी वीडियो डालूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। या आपकी कोई क्वेरी हो या आप मुझसे अलग से कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप हमारी ईमेल आईडी neelumishra999@gmail.com पर भी मुझे पर्सनली मेल लिख सकते हैं अपना नाम और क्लास के साथ में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड को हिंदी में हम बोलते हैं लवक। प्लास्टिड एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और प्लास्टिड का काम क्या होता है? फूड मटेरियल को स्टोर करना। ये तीन कैटेगरी में आते हैं। प्लास्टिड्स केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? ये यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं, यानी यूग्लिना में भी पाए जाते हैं। आप जब भी 11th या 12th में आपका जो भी प्रैक्टिकल कराया जाएगा बॉटनी में, तो उसमें आपको स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, तो उसमें आपको यूग्लिना की स्लाइड भी दिखाई जाएगी। तो आप देखेंगे उसमें एक स्पेसिफिक कलर दिखता है, वो कलर किस वजह से होता है? प्लास्टिड की वजह से होता है। तो जो भी कलर होते हैं वो प्लास्टिड से ही आते हैं, इसीलिए प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में या यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक कलर देते हैं प्लांट्स को, और इसके अलावा जो होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि जो भी प्लास्टिड्स जो कलर प्रोवाइड करते हैं या जिस भी सेल्स में पाए जाते हैं उस सेल को एक स्पेसिफिक कलर देते हैं। वो कलर किस वजह से देते हैं? क्योंकि प्लास्टिड्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट जैसे कि एंथोसाइनिन हो गया, क्रोमैटिन हो गया, तो ये डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट हो गया। जैसे कि आप देखो, टोमेटो क्या है? रेड कलर का है। क्यों है? क्योंकि उसमें अलग टाइप का प्लास्टिड है। चिली कैसी होती है? ग्रीन होती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप का प्लास्टिड है। बीट रूट यानी चुकंदर कैसा होता है? अलग होता है, क्योंकि उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट है। यानी कि जो भी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, लीव्स में जो भी कलर होते हैं वो प्लास्टिड्स की वजह से ही होते हैं। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक पिगमेंट्स को कैरी करते हैं, और इसीलिए ये प्लांट में या प्लांट के किसी भी पार्ट में, जिस पार्ट में पाए जाते हैं, चाहे वो लीफ हो, फ्रूट्स हो, जिसमें भी पाए जाते हैं उसको स्पेसिफिक कलर देते हैं अपने पिगमेंट्स की वजह से। प्लास्टिड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लास्टिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी 3 तरह के होते हैं बेस्ड ऑन दी पिगमेंट, यानी जो भी पिगमेंट इनमें पाए जाते हैं उस आधार पर प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के होते हैं? पहला प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। ये जो तीनों प्लास्टिड हैं इसमें से क्या है, जो पहला प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, ये कैसा होता है? कलरलेस प्लास्टिड होता है, यानी इसमें कोई भी इसमें कलर नहीं होता है। और ये कैसा प्लास्टिड होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन्हीं में होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड है और ये कलरलेस है, यानी ये जिस भी सेल में पाया जाता है उसमें कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता। इसके जो ल्यूकोप्लास्ट है ये ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइड भी है, यानी टोटल प्लास्टिड 3 तरह की है, लेकिन जो पहला प्लास्टिड है वो इटसेल्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप्स में डिवाइड है। कौन सा है? पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का काम क्या होता है? स्टोर स्टार्च, यानी एमाइलोप्लास्ट जो प्लास्टिड है ये स्टोर किस चीज़ को करता है? स्टार्च को स्टोर करता है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? आप पढ़ते होंगे ना, राइस खा रहे हैं स्टार्च मिला, यानी कि राइस ग्रेन, व्हीट ग्रेन और पोटैटो, इन ये सारे इसके एग्जांपल हैं कि स्टार्च इनमें पाया जाता है। दूसरा जो हमारा प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट का सेकेंड पार्ट जो बी है वो है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट का काम क्या होता है? फैट को स्टोर करना, यानी ये प्लास्टिड फैट को स्टोर करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? रोज पेटल्स, यानी रोज हैं या और भी ऐसी चीज़ें जिनमें फैट पाया जाता है, ऐसे फूड उसमें इलायोप्लास्ट पाया जाता है। थर्ड हमारा जो टाइप है वो है एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटीन को स्टोर करता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? कैस्टर एंडोस्पर्म। एलमंड्स भी इसका एग्जांपल हो सकते हैं, यानी ऐसे कोई भी फूड जो कि प्रोटीन को स्टोर करते हैं उनमें एल्यूरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये तो हमारा था पहला काइंड ऑफ प्लास्टिड जो कि था ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा हमारा प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? ये कलर्ड प्लास्टिड होता है, क्रोमा मीन्स कलर, यानी ये कलर्ड प्लास्टिड होता है, यानी ये प्लांट या जहाँ भी पाया जाता है उस पर्टिकुलर सेल को एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। बट डियर स्टूडेंट, ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड ही है, ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, सिंथेसाइज एंड स्टोर कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स, ये कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स को स्टोर करता है। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, मोस्ट ऑफ द राइपेंड फ्रूट्स, जो भी पके हुए फ्रूट्स आते हैं, आप देखें ना, ऑरेंज है, पपाया है, मैंगो है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट। तो इसके एग्जाम्पल ये होगा। थर्ड हमारा जो प्लास्टिड है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड, और इसका अलग से क्वेश्चन आता है, मोस्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो क्लोरोप्लास्ट पे ही आता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का जो लेक्चर है ये मैं नेक्स्ट टर्म पे आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसे आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये हमारा ओवरऑल प्लास्टिड का डिस्क्रिप्शन था, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट पे। तो डियर गाइस, कैसा लगा आज का हमारा टॉपिक? अगर आपको हमारा टॉपिक या हमारा जो पढ़ाई हुई लैंग्वेज है वो आपको समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करिए, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारे लेक्चर को समझ पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। और फिर से इसके साथ ही साथ मैं फिर से आपसे बोलूँगी, आप खुद भी और अपने फ्रेंड्स को और अपने कलीग्स को बोलिए कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आऊँ, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी बेस्ड फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, जिससे कि मैं जो भी टॉपिक डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल पाए। इसके साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने क्या किया, मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ इसका ये पूरा पिक मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ से इसका फोटो भी ले सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाने हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।